भले ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुशासन का सरदार कहे, लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी यादव को अंतरजातीय विवाह करने के कारण उनको सम्मानित करने के साथ 50,000 रुपए पुरस्कार देगी। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने राजद के अन्य युवाओं को अंतरजातीय विवाह करने की अपील की है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत बड़ा काम किया है। मैं तो बधाई दूंगा कि उसने हिम्मत करके अंतर जातीय अंतर धार्मिक शादी की है जी। तो एक उसने एक मानक बनाया है, तो राजद के बाकी लोगों को अनुसरण करना चाहिए। साधु यादव सवाल उठा रहा है, आप छोड़िए साधु यादव, क्या लग रहा है अंतर जातीय विवाह गलत तो नहीं है? नहीं गलत क्या, अगर अंतर जातीय विवाह गलत हो तो हम लोगों ने शादी की अंतर जातीय है। तीसरे अगर इंटर कास्ट इंटर रिलीजन अगर मैरिज होती है तो इसको तो और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और बिहार सरकार की एक योजना है कि जो लोग अंतर जातीय शादी करते हैं उनको 50,000 रुपये की को मिलेगा। और सरकार की अगर आवेदन करेंगे तो मिलेगा 50,000 देंगे आप? नहीं, अगर आवेदन करेंगे तो सरकार देगी, प्रावधान है, कोई करे, तेजस्वी करे, आप करें, कोई करे, 50,000 का प्रावधान है। सर बहुभोज में जाएंगे ना? निश्चित जाएंगे, अगर निमंत्रण आएगा तो जरूर जाएंगे। लालू जी मेरे बेटे की शादी में आए थे, लालू जी के घर में जितनी शादियाँ हुई हर शादी में मैं गया हूँ, और निश्चित जाएंगे उसके अंदर। उस्ताद आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद,